दोस्तों हमने सीवेट कैट पकड़ा है और इसको छोड़ने के लिए अभी आए। ये बहुत ही आक्रामक है, ऐसा जानवर होता है, इसको थोड़ा संभल कर पकड़ना चाहिए। ये रात में बहुत ही एक्टिव होता है, इसको उदबिल्ला ऐसे भी बोला जाता है और बहुत ही डेंजरस ऐसा ये सीवेट कैट होता है। अभी हम इसको छोड़ने के लिए आए और मैंने जो पकड़ा है ये बहुत ही सही तरीके से पकड़ा है। कभी भी सीवेट कैट को ऐसा ही टेल को पकड़ना चाहिए, तभी वो थोड़ा शांत नजर आता है। अगर आपने उसके मुंडी के नहीं तो बैक साइड में अगर पकड़ते हो तो वो अटैक वगैरह करने की कोशिश करता है। अगर आप टेल को ऐसे पकड़ते हो तो उसको अटैक वगैरह करने को नहीं आता है। इसको थोड़ा नज़दीक से दिखाओ, इसका हेड वगैरह। बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो उदबिल्ला है, सीवेट कैट है, लोगों का जब दफनाया जाता है तो उसको निकाल कर खाता है, ऐसा लोगों के मन में अंधविश्वास है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करता है, ये नॉनवेज खाने वाला मैमल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि दफनाया हुआ आदमी को निकाल कर वो खाता है वगैरह। ये नेचर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। अभी हम इसको छोड़ने के लिए फॉरेस्ट में आए, बहुत ही खूबसूरत ऐसा है सीवेट कैट है, इसको ऐसा ही पकड़ना चाहिए। अगर आप जरा भी गलती करते हो तो ये बहुत बुरी तरह से आपको घायल कर सकता है। ये नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में एक्टिव रहने वाला एनिमल है। अभी हम इसको छोड़ने के लिए आ गए हैं, आप देखते होंगे किस तरह से भागने की वगैरह कोशिश कर रहा है। बहुत ही खतरनाक ऐसा ये जानवर है, आप देखते होंगे बहुत खतरनाक ऐसा ये मैमल है सीवेट कैट। हम इसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते क्योंकि अटैक वगैरह कर सकता है। कभी अभी ऐसे जानवरों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अभी हम इसको छोड़ देने वाले, ये तुरंत यहाँ से भाग जाएगा। और ऐसे हमारे आने वाले मैमल्स हो, स्नेक हो, इनके इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके सामने जो बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।